हेलो दोस्तों, मैं हूं राम जी और आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज हम सीखेंगे लैपटॉप में सिम लगाकर नेट कैसे चलाएं, यानी कि लैपटॉप में सिम कैसे डालें। क्योंकि दोस्तों आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको लैपटॉप में सिम लगाकर नेट चलाने का प्रॉपर तरीका नहीं पता। तो यदि आप लोग भी लैपटॉप में सिम लगाकर नेट चलाने का प्रॉपर तरीका सीखना चाहते हैं डोंगल लगाकर, इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो दोस्तों लैपटॉप में सिम कार्ड लगाने के लिए जो हमारे पास साधन चाहिए वो हमारे पास है, जैसे कि ये एक जो है जियो का सिम कार्ड है और उसके बाद ये हमारे पास एक डोंगल है। तो फटाफट हम अपना जो प्रोसीजर है लैपटॉप में सिम कार्ड डालने वाला वो मैं चालू करता हूँ। सिंपली मैंने इसको ओपन कर दिया है। अब देखिए यहाँ पर सिम कार्ड लगेगा। ये जो सिम कार्ड लगाने का जो मतलब यहाँ पर स्लॉट दिया गया है पुराना मॉडल दिया गया है, जो क्योंकि अभी जो हमारे पास जो है माइक्रो सिम कार्ड है जियो का, ठीक है। पहले जो लंबा लंबा आता था तो आसानी से इसमें लग जाता था, तो इसमें जो है हमें ये देखना पड़ेगा कैसे लगाएं ताकि आसानी से लग जाए और निकल भी जाए। तो दोस्तों इसमें मैंने प्रॉपर तरीके से सिम कार्ड डाल दिया है, ऐसे कुछ इंसर्ट कर दिया है। माइक्रो जियो का सिम कार्ड है जो मैंने इसमें इंसर्ट कर दिया। आपको बहुत ही मतलब सावधानी से लगाना है, नहीं तो अंदर चला जाएगा तो फिर निकल नहीं पाएगा, तो मैंने लगा दिया है। अब चलिए मैं इसको इस सिम कार्ड को मॉडेम के जरिए अपने लैपटॉप में डालते हैं। ये रेडी हो गया है। अब उसके बाद हम इसमें लैपटॉप में लगाने के लिए बहुत ही आसान है, सिंपली जो है इसमें लैपटॉप में जो यूएसबी पोर्ट होता है उसमें ही हमें ये लगाना होता है। जैसा कि यूएसबी लगाते हैं उसी तरीके से आप इसे डोंगल को भी लगा सकते हैं। तो सिंपली आपको क्या करना है, इसमें ऐसे ये जो लाइट वाला हिस्सा है ये ऊपर रहेगा और लगा देना। अभी इसमें लाइट जलने शुरू हो जाएगी। देखिए यहाँ पर लाइट, ग्रीन लाइट आ गई है। ग्रीन लाइट का सिग्नल ये है कि हमारे जो लैपटॉप में ये डोंगल जो है लग चुका है और इसमें जो सिम कार्ड है वो प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है। तो कैसे पता करेंगे कि हमारे लैपटॉप में सिम कार्ड जो है काम कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर सिलेंडर का जो टैब है वो ओपन हो चुका है, यहाँ पर नेटवर्क भी दिखा रहा है। ये जो कंट्रोल पैनल है इसको ओपन कर लेना है डबल क्लिक करके, उसके बाद से यहाँ पर नेटवर्क एंड इंटरनेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद से यहाँ पर देखेंगे व्यू नेटवर्क स्टेटस एंड टास्क वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों जब हम अपने लैपटॉप में इस डोंगल की मदद से सिम कार्ड लगाते हैं तो यहाँ पर देखिए आ रहा है लूप मोबाइल नो सर्विस। हमें यहाँ पर जाना है, यहाँ पर सेलुलर, इस पर राइट क्लिक करना है। उसके बाद इसको एक बार डिसेबल करेंगे और फिर इसके बाद जो है इसको इनेबल कर देंगे। इनेबल करने के बाद यहाँ पर फिर से राइट क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर प्रॉपर्टीज पे क्लिक करना है। प्रॉपर्टीज पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर शेयरिंग का ऑप्शन आता है, तो यहाँ पर अलाउ अदर नेटवर्क व्यू टू कनेक्ट थ्रू दिस कंप्यूटर इंटरनेट कनेक्शन वाला जो ऑप्शन है इस पर आपको ऑन कर देना है। दोनों को ये चेक करके इसको ओके कर देंगे, आपका काम हो चुका है। उसके बाद से आपको अपने लैपटॉप को रिस्टार्ट कर देना है। रिस्टार्ट करने के लिए यहाँ पर विंडो के स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर पावर बटन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर रिस्टार्ट का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा जो ये जो मॉडम है वो हमारे लैपटॉप में प्रॉपर तरीके से सेट हो जाएगा। उसके बाद हम अपने लैपटॉप में नेट चला सकते हैं। तो दोस्तों जब आप इसको रिस्टार्ट कर देते हैं तो ये देखिए यहाँ पर गेटिंग रेडी हो रहा है। तो यहाँ पर नेट को ओपन कर लेना है, जो नेटवर्क एंड इंटरनेट के सेटिंग है उसके बाद से आपको सेलुलर पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद से यहाँ पर लेट विंडो कीप मी कनेक्टेड पर क्लिक कर देना है। उसके बाद से यहाँ पर जो डाटा रोमिंग ऑप्शन है इसको, अगर रोमिंग है तो रोमिंग में रखिएगा, अगर रोमिंग नहीं है तो डोंट रोम पर क्लिक कर देना है। उसके बाद से यहाँ पर यूज सेलुलर इंस्टेड ऑफ वाईफाई जो है इस पर आपको नेवर कर देना है। उसके बाद से आपको कुछ भी नहीं करना है। अब हमारे जो लैपटॉप है उसमें नेट कनेक्ट हो चुका है, सिम कार्ड भी लग चुका है। यहाँ पर हम जाकर एयरप्लेन मोड पे भी जाकर हम इसको एकदम मोबाइल की तरह एयरप्लेन मोड लगा सकते हैं। इसके साथ ही ब्लूटूथ चाहे तो यहाँ पर ऑन करके इससे भी नेट चला सकते हैं या फिर ऑन कर सकते हैं। मोबाइल हॉटस्पॉट चाहे तो हम अपने लैपटॉप से अपने मोबाइल में नेट चला सकते हैं। चलिए मैं चेक कर लेता हूँ कि ये जो हमारा हमने जो सिम कार्ड लगाया है अपने लैपटॉप में ये काम कर रहा है कि नहीं। तो हम यहाँ पर क्रोम ब्राउजर को ओपन करते हैं, देखते हैं क्या होता है। सिंपली यहाँ पर एक जो है यहाँ पर ओपन करते हैं, तो देखिए यहाँ पर गूगल क्रोम ओपन हो चुका है। उसके बाद चलिए हम यूट्यूब भी चला कर देखते हैं। तो सिंपली मैंने यूट्यूब पर भी चालू कर दिया है तो यूट्यूब भी चल रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए इस तरीके से आप लोग स्टेप बाई स्टेप कम्प्लीट जो है तरीका सीख करेंगे तब जाकर आपके लैपटॉप में सिम कार्ड आसानी से लगेगा और आसानी से नेट भी चलेगा। आज के वीडियो में हमने सीखा कि लैपटॉप में जियो का सिम लगाकर नेट कैसे चलाया जाता है, क्या करना पड़ता है, सब कुछ हमने पूरी जानकारी ले ली है। यदि आप लोग को कुछ जानकारी नहीं समझ में आई है तो नीचे कमेंट करके पूछ लीजिएगा। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। आप चाहे तो अगले वीडियो का टॉपिक भी नीचे कमेंट कर दीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो।